हेलो एवरीवन टुडे वी आर टेकिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अवर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सेमीकंडक्टर और उसके एंड जो है हम उसके जो जंक्शन डायोड होते हैं उसके बेस पे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल जस्ट वी ट्राई कि इन एन इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर आप जानते हो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशंस ए सिक्स इंटू टेन टू द पावर एटीन पर मीटर क्यूब ये वॉल्यूम के हिसाब से पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से होती है ऑन डोपिंग द इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन इंक्रीजेज़ नाइन इंटू टेन टू द पावर ट्वेल्व मीटर पर क्यूब अब इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों इक्वल होते हैं जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम मिला के कहते हैं एन आई स्क्वायर जो कि यहाँ पे ये दिया हुआ है अब जब हम किसी चीज़ की डोपिंग कर रहे हैं उसमें मिला रहे हैं या तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट या थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं डोप कर रहे हैं तो उसकी जो कंसनट्रेशन है इलेक्ट्रॉन की वो ये नाइन इंटू टेन टू द पावर ट्वेल्व हो जाती है आप अब क्या बताना है फाइंड न्यू होल कंसनट्रेशन आपको न्यू होल कंसन्ट्रेशन बतानी है एंड वॉट इज़ द टाइप ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर अब ये कैसा बन गया है सेमीकंडक्टर आपको ये देखना है तो अब यहाँ पे देखिए फार्मूला वी विल यूज एन आई स्क्वायर इजिकल टू एन ई इंटू एन एच तो जो नो न्यू होल कंसनट्रेशन होगी इसमें फार्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे तो सिक्स इंटू टेन टू द पावर एटीन का होल स्क्वायर अपॉन नाइन इंटू टेन टू द पावर ट्वेल्व और वी विल सॉल्व तो इट विल गेट हेयर फोर इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन पर मीटर क्यूब अब ये किसकी निकल गया है ये न्यू होल कंसंट्रेशन की ये आ रही है टेन टू दावर फोर्टीन ओके और इलेक्ट्रॉन्स की हमें कितनी मिली थी ट्वेल्व तो ये वाली ज़्यादा है होल्स वाली तो ये होल्स की ज़्यादा कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की कम है जो सेकंड पार्ट है कि किस टाइप का होगा तो जिसकी ज़्यादा है तो पी टाइप का हुआ ओके okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अ फोटो डायोड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सेमी कंडक्टर हुज एनर्जी गैप इज 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 टू पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब फोटो डायोड क्या होता है पहले इसको समझेंगे फोटो डायोड में लाइट एनर्जी जो है वो डाली जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है फोटो डायोड है ये इस तरीके का यहाँ पे लाइट डाली जा रही है तो इस मटेरियल पे डायोड पे तो यहाँ पे जो है डाइट डालने की वजह से यहाँ पे ये यह फोटोन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे वो इमिट होते हैं और यहाँ पे हमको जो है करंट मिलती है तो ये है हमारा फोटो डायोड के बारे में अब क्वेश्चन को और आगे देखते हैं कि कैन इट डिटेक्ट ए लाइट ऑफ़ वेवलेंथ सिक्स थाउजेंड एंगेस्ट्राम क्या ये सिक्स थाउजेंड लाइट एंगेस्ट्रॉम पे वो करता है डिटेक्ट फिर वॉट इज़ द मैक्सिमम वेव लेंथ विच इट कैन डिटेक्ट ओके एच की वैल्यू हमें दी हुई है क्लियर और यहाँ पे सी की वैल्यू हम जानते हैं अब जरा देखिए फार्मूला वी विल यूज ई इज इक्ल टू एच सी अपॉन लेमडा एच की वैल्यू रखेंगे सी की रखेंगे और लेमडा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है थ्री पॉइंट टू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी जूल ओके और हमें कहा कितनी ये है जूल में है चलिए इसको इलेक्ट्रॉन बोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो वन पॉइंट सिक्स टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन से डिवाइड किया टू पॉइंट जीरो सिक्स इलेक्ट्रॉन बोल्ट अब अगर ये एनर्जी हमारी वर्क फंक्शन से ज़्यादा आ रही हो वर्क फंक्शन कितना है टू तो उससे ज़्यादा आ रही होगी तब तो हो गया लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये एनर्जी लेस देन होने की कर वजह से फोटो डायोड जो है इस लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है ओके okay. अब नेक्स्ट पार्ट में जो पूछा है ना कि मैक्सिमम वेवलेंथ तो यही फार्मूला यूज़ करना है एच सी एप लेमडा और यहाँ अगर वर्क फंक्शन इतना है तो कितनी मैक्सिमम हो सकती है हम इससे कैलकुलेट करेंगे सो दिस वॉज कमिंग अवर फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी एंगस्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे एच सी एप ऑन ई जी एच की वैल्यू सी की वैल्यू ई जी की वैल्यू रखेंगे और इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन वोट में दिया था तो वन पॉइंट सिक्स टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल में कन्वर्ट किया साथ में देन वी आर गेटिंग दिस वेवलेंथ इन मीटर और माइनस टेन करने के लिए एंगेस्ट्रॉम में कर देंगे तो फोर फोर टू जीरो एंगेस्ट्रॉम आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लोड रजिस्टेंस लोड वोल्टेज डायोड वोल्टेज एंड लोड पावर डायोड पावर एंड टोटल पावर इफ डायोड इज़ आइडियल और प्रैक्टिकल अगर आपका डायोड आइडियल है तो आपको मालूम है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है ओके और प्रैक्टिकल है तो चलिए आगे देखते हैं ये डायोड बना हुआ है यहाँ लोड रेजिस्टेंस वन किलो ओम दिया है ये टेन वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है अब यहाँ पे देखिए आइडियल डायोड का मतलब अभी क्या बोला कि सारी की सारी करंट पास होगी क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जीरो होता है तो आई uh, अब लोड करेंट कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे लोड करंट देखने के लिए यहाँ पे देखिए टेन वोल्ट लगा हुआ है तो टेन वोल्ट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ तो कोई रजिस्टेंस ही वो सॉरी आपका रजिस्टेंस जीरो होने की जगह वैसे वी इजिकल टू आई आर तो वोल्टेज यहाँ पे जीरो है तो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है तो करंट कितनी जाएगी वी इजिकल टू आई आर फार्मूले से आई इजिकल टू वी अपॉन आर तो इट वमिंग टेन मिली एम तो लोड वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा लोड वोल्टेज निकालने के लिए जितनी करंट आ रही है वी इजिकल टू आई इं आर यानी आई एल इंटू आर एल तो टेन मिली एम्पियर वन किलो मिली और किलो कट गए तो यानी बचा टेन विलो वो हमने पहले भी आपको बताया दूसरी तरीके से भी कि यहाँ रजिस्टेंस जीरो होने की वजह से यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आएगा सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पर आएगा ओके तो आर जीरो आइडियल वोल्टेज तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड जीरो तो जब वोल्टेज जीरो है तो पावर वी इंटू आई होता है तो उससे पावर भी जीरो अब लोड की पावर कितनी होगी वी एल इंटू आई एल तो उससे हम सॉल्व करेंगे इट विल कम हंड्रेड मिली वॉट ओके देन टोटल पावर कितनी हो जाएगी तो डायोड की पावर जीरो है और ये वाली जो आई है हमारी लोड के क्रॉस ये हो जाएगी तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट अब नाउ वी विल सी सेकंड पार्ट फॉर प्रैक्टिकल डायोड तो प्रैक्टिकल डायोड के लिए हमारा बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे काम करेगा दैट इज़ द पॉइंट सेवन वोल्ट विच इज़ इन सीरीज अब सीरीज में हो गया है तो देखिए अब जरा टेन पॉइंट सेवन वोल्टेज तो डायोड के अक्रॉस हो रहा है ठीक है तो लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा टेन माइनस पॉइंट सेवन थ्री यानी कि लोड पे कितना आएगा नाइन पॉइंट सेवन थ्री अब फिर से वही फार्मूला लगाएंगे करंट के लिए लेकिन अब यहाँ पे टेन ना लेके नाइन पॉइंट थ्री अपॉन ऑन वन की लो तो इसको सॉल्व करेंगे तो नाइन पॉइंट थ्री मिली एमपियर टोटल जो पावर के लिए हमें लोड पावर चाहिए डायोड पावर चाहिए अब दोनों की दोनों कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि अब डायोड पावर ज़ीरो नहीं है तो लोड पावर कैसे निकालेंगे वी एल इंटू आई एल तो नाइन पॉइंट थ्री टेन टू द पावर माइनस थ्री इंटू नाइन पॉइंट थ्री और वी विल सॉल्व तो एट्टी सिक्स पॉइंट फाइव मिली वॉट अब इसी तरीके से लोड पावर को निकालेंगे तो सिक्स पॉइंट मिली वॉट ओके तो टोटल पावर जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी नाइन्टी थ्री मिली वॉट तो इन दिस वे वी विल गेट आंसर आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द गिवन फिगर ओके अ बैटरी इज कनेक्टेड विद डायोड एंड लोड रजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग ठीक अब कैलकुलेट करना है आपको लोड करंट लोड वोल्टेज डायोड वोल्टेज लोड पावर लोड डायोड पावर टोटल पावर पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन है ठीक है तो अब यहाँ पर डायोड ठीक अब यहाँ पर देखिए जरा रिवर्स बाइसिंग हो रही है तो रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होगी यानी डायोड में कोई करंट नहीं जाएगी ये इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है पहले वाला हमारा जो था आइडियल केस था फॉरवर्ड वाइसिंग थी अब रिवर्स वाइसिंग है तो अब यहाँ देखिए ये यह इसके साथ सीरीज में लगा जब इसमें कोई करंट नहीं जा रही तो ऑटोमेटिकली इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी तो इन दोनों के अक्रॉस हमारी करंट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ये एक यह आप समझ सकते हो कि ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है ओके अब लोड के अक्रॉस जो है हमारी पावर भी हो गई ज़ीरो ठीक है अब यहाँ पे वी डी जो है इसके अक्रॉस जो है हमारा ये आ, आपका कितना हो जाएगा पी डी इजिकल टू आई डी इन टू आर डी तो ये भी जीरो हो जाएगा तो आपका टोटल पावर भी कितनी हो जाएगी सब जीरो हो जाएगी सो इन दिस वे यू विल गेट आंसर इफ रिवर्स बाइसिंग इज देयर नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इन द गिवन फिगर डायोड डी वन एंड डी टू आर सिलिकॉन विथ पोटेंशियल वेरियर पॉइंट सेवन वोल्ट पॉइंट सेवन वोल्ट हमेशा याद रखिए सिलिकॉन का होता है एंड फॉरवर्ड रजिस्टेंस इज़ जीरो ठीक है फॉरवर्ड रजिस्टेंस जीरो है ठीक फाइंड द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये यहाँ फॉरवर्ड वाइसिंग दे रहा है ये क्या दे रहा है रिवर्स वाइसिंग तो ये एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा ये बनाया मैंने ओपन स्विच और ये जो है हमने इसकी डायोड की जगह जो है यहाँ पे पॉइंट सेवन वोल्ट है तो हमने यहाँ पे सीधे से एक पॉइंट सेवन वोल्ट का बना दिया है बाकी वन किलो ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है अब यहाँ पे ध्यान से ज़रा देखना दो बैटरी नहीं है एक बारह वोल्ट की एक सेवन वोल्ट की बारह वोल्ट और सेवन वोल्ट की तो बट नेचुरल है बारह वोल्ट से करंट निकलेगी और सेवन वोल्ट वाला जो है वो चार्ज होगा बारह वोल्ट वाला डिस्चार्ज होगा जैसा हम कि चॉप्स के उसमें करते थे अब यहाँ से गई करंट इसमें जाएगी इसमें जाएगी और फिर इसमें आएगी इस तरीके से ये सर्किट कम्प्लीट होगा इस पोर्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी तो D1 वन फॉरवर्ड बाइसिंग डी टू रिवर्स बाइसिंग तो फॉरवर्ड बाइसिंग का जो है ये आपका रेजिस्टेंस जो है जीरो है ओके और रिवर्स बाइसिंग का इनफाइनाइट है अब यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हमें पॉइंट सेवन वोट दिया हुआ है अब पॉइंट सेवन वोट दिया हुआ है अब हम यहाँ पे किर्च ऑफ ला लगाएंगे ध्यान देना यहाँ पे अब हम किर्च ऑफ ला लगाएंगे तो ऐसे 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 और ऐसे जाएंगे तो ला जब लगाएंगे इन मैश ए बी सी डी में ये देखिए यहाँ से ए से ये बी बी से सी और सी से डी ठीक है अब यहाँ पे चलेंगे तो अब ये इसकी जगह हम ये ले रहे हैं अब देखिए पहले ये टकरा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल तो माइनस पॉइंट होना चाहिए ये माइनस पॉइंट सेवन हो गया ठीक इसके बाद यहाँ पे आए ये फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल से टकराया तो माइनस सेवन हो गया ठीक है फिर ये ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए यहाँ ये प्लस ट्वेल्व हो गया ये देखिए प्लस ट्वेल्व हो गया इजिकल टू आई आर और इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो करंट निकल के आ रही वो फोर पॉइंट थ्री मिली एम्पियर सो आंसर ऑफ दिस पार्ट इज़ फोर पॉइंट थ्री मिली एम्पियर आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मोटिवेट के लिए आप जरा से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू